नमस्कार, आप सभी दर्शक का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, मेरा नाम है नेहा शुक्ला। इस बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ये वैसे तो भारत का पहाड़ी राज्य है, 4 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इसी के साथ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और इस सरकार के नेतृत्व में कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती दी जा रही है। 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी 1 जून को होने वाले हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत के प्रचार के लिए पहुंचे और यहां उन्होंने विक्रमादित्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमले बोले हैं। कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को बदहाली के रास्ते पर ले जाने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया है, लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश की जनता भी यही सोच रखती है? तो हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या सुक्खू सरकार पर संकट, समझने की कोशिश करेंगे कि जो 4 सीटें हैं यहाँ पर कितना कड़ा मुकाबला दोनों ही दलों के बीच देखने को मिल रहा है। कुछ सवाल हम चाहते हैं कि दर्शकों के सामने रखे जाएं और उन सवालों पर आगे अपने कार्यक्रम के दौरान हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की स्थिति कितनी मजबूत दिख रही है, कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत है या कितनी कड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। 6 सीटों पर विधानसभा के जो उपचुनाव है इसमें कौन सी पार्टी बाजी मारने जा रही है और क्या सुक्कू सरकार पर जो संकट के बादल हैं वो इन चुनावी नतीजों के बाद ये और गहरा जाएंगे या फिर संकट के बादल छट जाएंगे, समझने की कोशिश करते हैं। आइए अपने पैनलिस्ट का हम स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजीव खिमटा जी और बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना ठाकुर, सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में अजय सर आपसे करना चाहूँगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने एक एक करके जो जो आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं कंगना के लिए वोटों की अपील के साथ, आपको पीएम मोदी की इस रैली के जरिए आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं कि हिमाचल में बीजेपी की क्या स्थिति है? देखिए, यदि हम 2019 के चुनाव को देखें तो करीब 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती थी, लेकिन एक मध्यावधि चुनाव के दौरान फिर मंडी सीट जो है कांग्रेस के खाते में चली गई थी, यानी 3 रह गई थी। अभी जब अभी विधानसभा चुनाव हुआ, बड़ा क्लोज फाइट थी और क्लोज फाइट के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा मैंडेट पाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शायद कुछ जल्दी थी सत्ता पाने के लिए और जो खेल हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि जो भी मेरी हिमाचल में जिनसे भी बात होती है जी, सभी लोग एक तरह से कहते हैं, चंडीगढ़ जब आते हैं बहुत सारे लोग, उनमें से जो बागी हुए हैं उन्हीं में से राजेंद्र राणा मेरे चूंकि दोस्त हैं तो जब भी आते हैं हमारे पास में ही रहते हैं तो कई बार मिलने आ जाते हैं, तो लेकिन आज उनके साथ में ये स्थिति है कि लोग मतलब बड़ा निगेटिव अर्थों में ले रहे हैं। वो ये ले करके चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वोट और उसको मैंडेट को चोरी करने का काम किया है उसने, और इस बात का हिमाचल में सर, क्योंकि हिमाचल उस तरह का राज्य नहीं है कि यूपी की तरह हो या दूसरे और हो, हिमाचल में लोग आपस में भी एक दूसरे को जानते हैं बहुत ज्यादा लोगों का एक दूसरे से, और वहां पर यूपी और बिहार की तरह भी नहीं है कि एक दूसरे से दुश्मनी का भाव हो। भाजपा के लोग कांग्रेस के लोगों के साथ में आराम से बैठते हैं, उनके साथ में दोस्ती निभाते हैं, वो उनके साथ में निभाते हैं, ऐसा सब होता रहा है जी। लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मैंडेट को चोरी करने की कोशिश हो रही है उसका एक असर देखने को मिल रहा है और वो जनता में चर्चा का विषय है जी। तमाम सारे लोग, सजग लोग उस पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पे। दूसरा, सुखविंदर सिंह सुक्खू की जितने भी दिन की सरकार है, एक चीज कह सकते हैं कि वो सरकार ईमानदार सरकार है, उस सरकार में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ और कोशिश हुई है कि लोगों को दिया जाए। सबसे बड़ी चीज थी कि जब वो प्राकृतिक आपदा आई और इतनी भयंकर आपदा के दौरान जब केंद्र सरकार को मदद देनी चाहिए थी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए था, उस वक्त में कहीं पर भी नरेंद्र मोदी सरकार दिखाई नहीं दी
और उस समय जितने मुकाबला किया, जिस तरीके से किया और जिस तरीके से तमाम कांग्रेस के भी लोग, भाजपा के भी लोग, तमाम सारे लोगों ने अपने निजी संसाधनों से दान किया, दूसरे और काम किए, इसका असर ये रहा कि वहां पर लोग जो है इस बात को लेकर के हैं कि मुख्यमंत्री जीरो, ग्राउंड जीरो से लड़ाई लड़ रहा था और लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था जी। तो ये सारे विषय जो है ये कहीं ना कहीं पूरे हिमाचल में चर्चा में है और इन सब चीजों को लेकर के निश्चित रूप से एक अहम विषय है और ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक तोड़े गए, इसका प्रभाव आप कह रहे हैं, और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा जिसका कहर हिमाचल प्रदेश ने झेला है, अग्निवीर योजना को लेकर भी इस प्रदेश में एक गुस्सा जो कि हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था। हमारे साथ राजीव खीमटाब जी भी जुड़े हैं, उनसे भी समझेंगे कि इन चारों सीटों पर कांग्रेस की स्थिति पर वो किस तरह का दावा पेश करते हैं। पीएम मोदी ने सीधे सीधे कहा है कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश को बर्बादी के, बदहाली के रास्ते पर लेकर जा रही है। राजीव जी देखिए, आज बहुत ही, जिस वक्त माननीय प्रधानमंत्री जी मंडी आए थे, उससे पहले नहान आए थे और उन्होंने जो जो चीजें कही उसको लेकर कहीं ना कहीं खेद होता है कि जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट तक नहीं आया, मदद करने की तो दूर की बात है। प्रदेश सरकार ने गुहार लगाई, इतना ही नहीं, हमारी जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे दो बारी वो उनसे मिलने गए, हमारी जो यहाँ के सांसद थी, हमारी अध्यक्ष थी, वो माननीय प्रधानमंत्री से मिलने गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश सरकार की बिल्कुल भी आपदा में एक चीज की भी, जिसको बोलते एक फूटी कौड़ी की भी जो मदद नहीं की, इतना ही नहीं, उसके बावजूद आज प्रधानमंत्री कहते कि मेरा दूसरा घर हिमाचल प्रदेश है, लेकिन आपदा में आपको हिमाचल प्रदेश की याद क्यों नहीं आई? ये आज एक जनता भी सवाल पूछती है, कांग्रेस पार्टी भी सवाल पूछती है कि आज आपको अपना रिपोर्ट कार्ड लाना चाहिए था हिमाचल प्रदेश के अंदर कि मैंने 10 साल में हिमाचल प्रदेश में क्या किया, मैंने हिंदुस्तान में क्या किया, वो रिपोर्ट कार्ड आज लाना चाहिए था। आज वो रिपोर्ट कार्ड उनके पास था नहीं, क्योंकि 10 साल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जब वो 2014 में आए थे तो उन्होंने मेगा का एक बड़ा मुद्दा था, सुरक्षा एक मुद्दा था और आपका पेट्रोल डीजल एक मुद्दा था और ना जाने कितने और मुद्दे थे, युवाओं को रोजगार एक मुद्दा था, लेकिन आज, और इतना ही नहीं, 15-15 लाख जो है हिंदुस्तान के हर इंसान को मिलेगा, ये सारी चीजों को लेकर माने प्रधानमंत्री इस देश में सत्ता पे बैठे थे, लेकिन आज उनको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो अल्टीमेटली सिर्फ कांग्रेस को कोसने के लिए या सरकार को कोसने के लिए। अगर सरकार की उन्होंने मदद की, पीएम मोदी की रैली में जो भीड़ दिखती है, कहीं ना कहीं जनता का आकर्षण लगातार पीएम मोदी के प्रति बना हुआ है। ऐसा नहीं है, वो आकर्षण नहीं था, भाजपा के यहाँ पे तकरीबन 20 विधायक और मंडी पार्लियामेंट में तो तकरीबन इनके 11-12 विधायक है, तो अल्टीमेटली लोग जो है उसमें एक मैनेज करते हैं तो मैनेज होती है। अगर हम 29 तारीख को हमारी भी रैली होगी तो इससे ज्यादा भीड़ उमड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। आप भीड़ पे आकलन नहीं कर सकते क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पढ़ा लिखा प्रदेश है, वो लोग समझते हैं कि कौन प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, सबको मालूम है कि देश की सरकार ने उनके साथ क्या किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने मैनुअल जो रोस्टर था उसको चेंज किया, यानी कि आपदा में जो जिसका मकान टूट जाता उसको सिर्फ 1 लाख रुपए मिलता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने रातों रात उसको बदला और उसमें 7-7 लाख दिया। न्याजी इतना ही नहीं, जब आपदा आई तो यहाँ पे जो विपक्ष के नेता थे और विपक्ष के जो लोग थे वो हमेशा हल्ला करते थे कि आप मानसून सत्र बुलाइए, और माननीय मुख्यमंत्री ने मानसून सत्र बुलाया, लेकिन हद तो तब होगी कि मानसून सत्र जब आया तो उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव लाया कि इस प्रदेश को आपदा घोषित किया जाए, लेकिन उसमें भाजपा के जो लोग थे उन्हें जैसे जैसे सांप चुन गया हो। चलिए, बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर अर्चना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बीजेपी की स्थिति कमजोर बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में, और एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो जोड़ तोड़ की सियासत बीजेपी करती है, जिस तरीके से सुक्खू सरकार से वो विधायक चुरा लिए गए, अर्चना जी इन आरोपों को लेकर जनता में खासी नाराजगी है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है। देखिए, हिमाचल में कोई स्थिति कमजोर नहीं है भाजपा की, हमने पहले भी जो है वो यहाँ पे कुल जो है 4 सीटें हैं और 4 सीट्स में से हम 4 out of 4 हमने जीती थी, लेकिन जो उपचुनाव हुए थे उसमें हम लोग थोड़े से मार्जिन से रह गई थी ये सीट, ऐसा कुछ नहीं है और हम इस बार भी जीतेंगे।
भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, और जहां तक जो है वो चुराने का सवाल है कि 6 विधायक चुरा लिए गए, तो ये विधायक जो है वो जीते जागते थे, उन्होंने अपनी मर्जी से जो है वो उन्होंने तंग आकर इस गवर्नमेंट के जो डिसीजंस थे उनके हलके के लिए, उनकी विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो उन्होंने उसमें जो है वो नहीं जी। तो लगता है अर्चना जी की आवाज हम तक स्पष्ट तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। कहीं ना कहीं अर्चना जी ये दावा कर रही हैं कि बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है और चारों सीटों पर जीत का दावा कर रही हैं। अजय सर, मैं समझना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में अगर चुनावी मौसम की बात की जाए तो किन मुद्दों पर आपको लगता है कि जनता वोट डालने जाएगी? अग्निवीर योजना की बात हो, रोजगार की बात हो, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब से आई है तब से उनकी गारंटियों की जो बातें थी, लगभग सभी गारंटियों पर कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने अपने वायदे तुरंत पूरे किए हैं। क्या इसी का फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है, 4 की 4 सीटें कांग्रेस की झोली में? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 4 की 4 जा रही है या 2 जा रही है या कितनी जा रही है, लेकिन मैं जिस चीज को एसेस करता हूँ वहां पर वो ये करता हूँ कि अग्निवीर वहां बड़ा मुद्दा है। जो हिमाचल है वहां के लोग पूर्व सैनिक और वो बहुत सारे लोग हैं, और जिस तरीके से अभी कुछ अग्निवीर शहीद हुए और उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, चीजें उन सबके मैसेज बहुत कायदे से वहां स्प्रेड हुए हैं, और उससे यह संदेश गया है कि क्या बना दिया है आपको, आप देश के लिए जीवन देते हैं, सब कुछ देते हैं, बावजूद इसके देश आपको क्या दे रहा। तो यह एक बड़ी दुखद स्थिति पैदा हुई है, इसका हिमाचल में बड़ा प्रभाव है, इसको कहीं नहीं। सेब के जो बागवान हैं उनकी अपने, उन्हें पता है कि यदि मोदी सरकार इसी तरह रही तो जिस तरह से पहले अडानी ने कब्जा किया था सेब पे और जिस तरह से उसे बचाने की कोशिश की जो सरकार है सुक्खू सरकार ने, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति उनके मन में एक श्रद्धा का भाव है, वो भी देखने को मिलता है। थर्ड एक चीज जो देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि वहां रोजगार एक मुद्दा है, तो रोजगार को लेकर के जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी खाली हाथ है, तो ऐसी स्थिति में रोजगार एक उम्मीद जगाता है, और उसके बाद में जो जो महिलाओं के लिए कांग्रेस ने जो किया है 1 लाख रुपया सालाना का, युवाओं को जो पहली नौकरी पक्की, ये सब बहुत बहुत कायदे से पूरे उसमें, और इसके साथ साथ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आज भाषण दिया, आप देखिए क्या कहते हैं, दलाई लामा का नाम लेने से डरती थी। अरे साहब, दलाई लामा को भारत में शरण देने वाली ही कांग्रेस थी, पंडित नेहरू ही थे, और उन्होंने इस कारण से एक पंगा चाइना से लिया, नुकसान उठाया, लेकिन उन्होंने उन्हें आखिरी दम तक यहां से जाने नहीं दिया, सरेंडर नहीं किया, तो ये बड़ी चीज है। फिर हिमाचल राज्य किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया था। निश्चित रूप से कांग्रेस का वहां बड़ा देन है जी, इससे इनकार नहीं किया, तो इसलिए इन बातों का हिमाचल के लोग जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है कि इन बातों का असर नहीं पड़ता, लेकिन फौरी बातों का पड़ता है, और फौरी में जो चीजें हैं वो आज नहीं दिखती है। हिमाचल सरकार का तो एक और चीज कह सकते हैं कि राम जन्मभूमि में जब वो हो रहा था प्राण प्रतिष्ठा, इकलौती हिमाचल सरकार थी जिसने अपने यहाँ स्टेट हॉलीडे घोषित किया था, और हिमाचल सरकार के मंत्री जो वीरभद्र जी के बेटे हैं और प्रत्याशी हैं मंडी से, वो गए भी थे वहां पर, और भी कई लोग गए थे, एक वही नहीं गए थे। आप हरियाणा में देखिए, आप दीपेंद्र हुड्डा और उनकी पूरी टीम गई थी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो है अजय राय के नेतृत्व में बहुत सारे लोग गए थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के वहां से लोग गए थे, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि जो चीजें, फिर दूसरी चीज जो शंकराचार्यों ने इसको लेकर के कहा है उसका असर है, लोग मानते हैं। भाई देखिए, धर्म गुरु के नाम में उनसे बड़ा तो कोई नहीं है, और चारों शंकराचार्यों ने इसका बहिष्कार किया। क्यों किया? क्योंकि ये धर्म सम्मत तरीके से नहीं था। अभी मैं 4 दिन पहले ही अयोध्या होके आया हूं, आज तक मंदिर नहीं बना है। अब आप सोचिए, आज तक मंदिर नहीं बना है,
जिसकी जो स्थिति में मेरे मोबाइल में फोटोग्राफ है, मैं दिखा सकता हूँ जो दुर्दशा है, इस हालत में आप क्या कहेंगे कि भगवान का अपमान करने का काम हो रहा? यही वजह है मैंने कहा कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि वो चुनाव हारने जा रही है अयोध्या जैसी जगह, इसलिए मैंने ये बात कही। बिल्कुल, क्योंकि अयोध्या के लोग कहते हैं, बाहर के लोगों को तो उतना पता नहीं है, अयोध्या के लोग कहते हैं हमारे रामलला कहाँ, क्योंकि राम की जो प्रतिमा थी, जो कौशल्या लेकर के बैठी हुई थी, वो प्रतिमा तो है नहीं वहां, वहां पर तो बना करके नई प्रतिमा लगाई गई है, उसको लेकर के अयोध्या के लोकल लोग, क्योंकि लोकल लोगों ने तो उसको लगातार देखा है, तो उनसे तो कुछ छिपा नहीं है, तो ये सारे विषय वहां पर बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं और इनका असर है। इसके बाद में संविधान और दूसरी और इन सारी चीजों को लेकर के आज बात आती है। आज आप देखिए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बनिया ब्राह्मण इसकी बात करी जी। तो एक तरफ तो कहते हैं जाति नहीं होती है, दूसरी तरफ जाति वाली बात कर रहे हैं, तो या तो आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप किस तरफ हैं जी। तो ये एक समस्या है कि भ्रम की स्थिति होती है, वो भ्रम कहीं ना कहीं संकट पैदा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। शेष जो चीजें हैं वो सब चीजें सामने हैं, इसलिए कोई चीज छिपी नहीं है। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ अर्चना जी दोबारा से जुड़ चुकी है। अर्चना जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो मैं समझना चाहूंगी, बहुत सारे मुद्दे मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने गिनाए, उनमें दलाई लामा का मुद्दा भी गिनाया है उन्होंने। लगता है कि अर्चना जी का संपर्क दोबारा से कट गया हमारे साथ। राजीव जी, समझना चाहूंगी दलाई लामा को लेकर जो पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, किस तरीके से बचाव करना चाहेंगे? मुझसे पहले अजय जी ने सारा कुछ बता दिया है कि दलाई लामा को धर्मशाला कौन लाया, दलाई लामा जी को शरण किसने दी है, वो सारी चीजें आज हिमाचल प्रदेश की जनता को पता है, हिंदुस्तान की जनता को मालूम है। और सभी अब समझ लीजिए कि दलाई लामा जी के ऊपर कंगना रनौत ने टिप्पणी की थी, और तीन दिन पहले अगर आपको याद होगा, आप शायद विजुअल देखे होंगे, तो काजा में उनका काले झंडे से विरोध हुआ, इतना ही नहीं, और उनको वहां पे जो उनके साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री थे वो साथ में थे, और वहां पे जो प्रत्याशी है भाजपा के रवि ठाकुर जो कभी कांग्रेस के हुआ करते थे, वो उन्हें वहां से जाना पड़ा, क्योंकि जनता में और खासतौर पर महिला था, इतना रोष था उनको कि वहां पे पुलिस की सुरक्षा में लेके उनको वहां से इवैक्यूएट किया गया। तो ये समझ सकते हैं कि आज धर्म की राजनीति को लेकर या दलाई लामा जी को लेकर इनकी क्या टिप्पणी है। कांग्रेस ने तो हमेशा ही सभी धर्मों का मान सम्मान दिया है, सभी वर्गों का मान सम्मान दिया है, और दलाई लामा जी को भी मुझे लगता है कि आज दिन तक हिमाचल प्रदेश अगर बना है तो कांग्रेस की देन है। जिस वक्त हिमाचल प्रदेश बन रहा था तो स्टेटहुड का जब माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने दिया था, तो भाजपा के लोग उस टाइम कहते थे स्टेटहुड को मारो ठुट, ये इनका एक नारा था हिमाचल प्रदेश के ऊपर। आज हिमाचल प्रदेश बनाया है, सवारा है, तो कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस के जितने भी नेता है, शीर्ष नेता है, चाहे केंद्र बैठे नेता थे, तो उनका एक देन, और इतना ही नहीं, गांधी परिवार का हिमाचल प्रदेश को बनाने और उसको संवारने में बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। हिमाचल प्रदेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के उपचुनाव, यहाँ पर जो स्थिति है, किसकी मजबूत है, किसकी कमजोर है। अर्चना जी, मैं समझना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री के भाषण में दलाई लामा का जिक्र क्यों आया, जबकि जैसा कि हमारे विशेषज्ञ ने भी बताया, अगर किसी ने शरण दी तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी भारत में। अर्चना जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, बात रखिए जी। देखिए, दलाई लामा जी जो है वो उतने ही पूजनीय और उनकी उतनी ही जो है फॉलोइंग भाजपा में भी है, उतना ही उनको मानते हैं जितना कांग्रेस ये मानते हैं कि उस टाइम जब नेहरू जी ने उनको शरण दी थी तो उस टाइम हमारे रिलेशंस जो है चाइना के साथ भी बिगड़े थे, लेकिन फिर भी वो हमारे यहाँ पर जो है वो हमारे धर्मशाला में उनको शरण दी गई जी। लेकिन उनको कभी तंग नहीं किया गया किसी भी तरीके से। लेकिन अभी जो रिसेंटली काजा में जो एक प्रदर्शन हुआ था, तो उसमें काले झंडे दिखाए गए थे भाजपा के कंगना रनौत जी को और जयराम जी को, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मोदी जी को वो नाम लेना पड़ा दलाई लामा जी का। और दलाई लामा जी, आपको पता ही है कि मोदी जी जो है वो
विश्व विख्यात जो है हमारे लीडर है और उनका कद बहुत ऊंचा है और वो इन ये जो ये बातें हैं कि दलाई लामा जी को जो है वो बीजेपी तंग कर रही है या इस तरह से कोई चीज है तो ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने किसी गलत धारणा से उनका नाम नहीं लिया है, हम लोग उनको उतना ही मानते हैं जितना बाकी जो है उनको उनकी प्रतिष्ठा और उनको मानते हैं जी। मैं कंगना रनौत की उम्मीदवारी पर समझना चाहूंगी। कंगना रनौत लगातार कांग्रेस पर हमले बोल रही हैं लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं एक बाहरी उम्मीदवार के तौर पर भी बीजेपी के भीतर भी काफी गुस्सा काफी नाराजगी, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगी? देखिए कंगना जी बाहरी तो कभी भी नहीं थी, वो अपने प्रोफेशन और अपना एक अर्निंग वे में बाहर गई थी तो इंडस्ट्री में तो मुंबई में पूरे भारतवर्ष से जो है लोग आते हैं अपना हाथ आजमाते हैं एक्टिंग में, तो उन्होंने भी अपना प्रोफेशनली जो है वो शी टुक हर प्रोफेशन एज एन एक्टर, तो वो वहाँ पे गई थी उनका जन्म स्थान और बेसिकली शी इज फ्रॉम मंडी ओनली, तो अगर वो वापस आई हैं और अगर उनका इसमें थोड़ा इंटरेस्ट जगा है कि शी शुड कम इन पॉलिटिक्स, देयर आर सो मेनी एक्टर एक्ट्रेसेस हु केम इन पॉलिटिक्स और उन्होंने बहुत अच्छा नाम स्थापित किया। आप जयललिता जी को ले लीजिए, एंटी रामा राव जी को ले लीजिए, इन लोग ये लोग जो है बहुत जो है वो सक्सेसफुल एक्टर्स रहे एक्टर्स थे और साथ में पॉलिटिशियंस भी बहुत अच्छे रहे, तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। साथ में उनका घर यहाँ पे है और मंडी में भी है मनाली में भी है, तो हम उनको एक तो बाहरी नहीं देख सकते और दूसरा जहां तक गुस्सा आप कह रही हैं कि विद इन पार्टी जो है वो कैंडिडेट्स जो पहले चूज किए गए थे या जो अपने को मान रहे थे कि हम लोग वी कैन बी द कैंडिडेट्स फॉर एज अ एमपी, तो वहां पे कोई गुस्सा नहीं है जी, दे ऑल आर विद कंगना जी और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं, उनके साथ अभी हमारा गृह संपर्क अभियान है तो उसमें वो सभी लोग जो है अपना दे आर गिविंग देयर बेस्ट। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दे ऑल अनुशासन में बीजेपी का कोई सानी नहीं। आप ये कहना चाहती है कि कांग्रेस की तरह नहीं है कि बीजेपी में टूट हो जाए कि किसी को उम्मीदवार चुन लिया तो दूसरा गुट नाराज होकर जो है दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। अजय सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या बीजेपी कांग्रेस के सरकार के अब तक की कुछ असफलताओं पर कुछ मजबूती लेते हुए दिख रही है हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि सुक्खू सरकार पर भी पिछले दिनों जिस तरीके से बात निकल कर आई कि वो एक बतौर लीडर जो है सभी को साथ लेकर चल पाने में असफल हो रहे, उनके नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे थे, विक्रमादित्य ने खुलकर बगावत कर दी थी, उस एपिसोड का क्या पूरी तरह से निपटारा हो गया है या फिर अभी भी अंदर खाते जो है रोष गुस्सा देखा जा सकता है? देखिए मैं ये तो नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से निपटारा हो गया होगा, लेकिन फौरी तौर पे यदि देखें तो आज की डेट में तो विवाद खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसकी वजह भी है कि जिस तरह के माहौल है और जिस तरह की स्थितियां हैं उनमें कहीं इस तरह से लड़ने वाली हालात आज है नहीं। आज यदि पार्टी एक साथ नहीं खड़ी होगी तो न लोकसभा में वो हो पाएगी और ना ही राज्य की सरकार बचेगी, तो इस कारण से मुझे लगता है कि पार्टी एक नजर आ रही है। अब वो कितना अंदर से है इस चीज का, हालांकि अभी कोई ऐसा एपिसोड सामने नहीं आया है जिस आधार पे कहें कि कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल मची हुई है, उस तरह का माहौल नहीं दिख रहा है जैसे तमाम सारे। और हिमाचल, मैंने जैसे पहले कहा, हिमाचल के लोग बहुत अच्छे होते हैं जी और उनके अंदर कहीं पर भी अच्छा, शिक्षा भी अच्छी है और भी चीजें हैं, यूपी बिहार की तरह तो है नहीं कि डंडा लेके चल देंगे और वो करने लगेंगे। तो आप, चूंकि मैं तो यूपी से आता हूं तो मैं तो अपने यहाँ की कल्चर को जानता हूँ, तो लेकिन हिमाचल के लोगों में बड़ा सौम्यता है और बहुत अच्छे लोग, और जितना मैंने देखा है 20 सालों के दौरान इस क्षेत्र की को समझा है जी, तो उसमें मैं समझ सकता हूं कि हिमाचल में इस चीज को बहुत पसंद नहीं किया गया है जिस तरह से हुआ था, इसलिए शायद अब सब एक होके खड़े हैं और यही अब इस चुनाव में एक मजबूती का आधार है और शायद जो है हाईकमान ये संदेश देने में सफल रहा है कि आपको एक होके ही रहना होगा, नहीं तो स्थितियां नहीं ठीक रहेंगी जी।
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आनंद शर्मा का नाम आया, और ये मैं समझना चाहूँगी, राजीव जी से मेरा ये अगला सवाल है। राजीव जी, कांग्रेस की मजबूरियां जो गाहे बगाहे सामने आ ही जाती हैं, आनंद शर्मा जी के चयन को लेकर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि ये वही G23 गुट का हिस्सा था जिन्होंने हाईकमान के खिलाफ बगावत कर दी थी। आनंद शर्मा कितने मजबूत उम्मीदवार कांगड़ा से? देखिए, आनंद शर्मा जी का एक अपना अपने आप में हिंदुस्तान के अंदर कद और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक उनका कदरा है, और मैं बिल्कुल मानता हूं कि आज आनंद शर्मा जी कांगड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं और वो बहुत अच्छी स्थिति में, और मुझे लगता है कि वो जीत भी जाएंगे जिस तरह से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से लोगों के संपर्क में, क्योंकि अल्टीमेटली क्या था कि आनंद जी 80s के दशक में जो है यहाँ से दिल्ली चले गए थे, और दिल्ली में उनको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जिम्मेवारी देगी, पार्टी की जिम्मेवारी देगी, तो उसके बाद वो वापिस हिमाचल प्रदेश का अलबत्ता उनका हर जब भी चुनाव होते थे तो यहाँ का रुख करते थे, जब जब उनको यहाँ जो ऑल इंडिया में उनको जब सरकार थी और उनको जो भूमिका दी गई या मंत्री बनाए गए, तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए डिलीवर किया, कांगड़ा के लिए डिलीवर किया। तो आज उनको जो है हाईकमांड ने एक कैंडिडेट बना के भेजा और वो बखूबी अच्छा एक जिसको बोलते हैं फाइट दे रहे, और हमारा तो 11 विधायक है हमारे तो कांगड़ा पार्लियामेंट में जो जीत के भी आए हुए हैं, तो सभी के सभी विधायक उनके लिए काम कर रहे हैं, और अल्टीमेटली क्योंकि आनंद शर्मा जी का एक अपने आप में पार्टी में एक रुतबा है और हिमाचल प्रदेश में रुतबा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आनंद शर्मा जी वगैरह वो चुनिंदा लोग थे जिन्होंने कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया था और NSS से लेकर आज तक रख दिया, तो इसलिए आनंद शर्मा जी के कदर मुझे लग रहा है कि वो आने वाले चुनाव में एक अच्छी अच्छी जो वोटों से जीतेंगे भी यहाँ से। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से आनंद शर्मा पहली बार जो है इलेक्शन में डेब्यू कर रहे हैं, अगर इस तरह के इलेक्टोरल सिस्टम की बात हो तो। देखना होगा कि कांग्रेस ने तमाम आरोपों के बावजूद, जिस तरीके से उन्होंने बगावत की उसके बावजूद जिस तरीके से उनकी उम्मीदवारी का चयन किया, ये कितना पार्टी को मजबूत करे। बीजेपी की प्रवक्ता अर्चना ठाकुर जी के पास, अर्चना जी मैं समझना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश की जो प्राकृतिक आपदा है इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेडलाइंस बनाई, लेकिन बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने ही प्रदेश की स्थिति पर, दुर्दशा पर इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार ने जो है जनता के साथ मिलकर दोबारा से यहाँ पर जो जीवन है, जो आम जीवन है, उसको पटरी पर लाने की कोशिशें की। इस आरोप पर मंडी जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था उस त्रासदी के बाद से, उस सीट पर कंगना रनावत, एक सवाल कांग्रेस की तरफ से ये भी पूछा जाता है कि आपदा के वक्त कंगना कहाँ थी? अर्चना जी, जी जी ऐसा है, जब राष्ट्रीय आपदा जो है, नेशनल क्लैमिटी जो है वो डिक्लेयर होती है तो उसके कुछ पैमाने होते हैं, हो सकता है कि उस पैमाने में जो है वो हिमाचल की आपदा स्टैंड ना कर पा रही हो, इसलिए उसको नेशनल क्लैमिटी जो है वो नहीं डिक्लेयर किया गया। लेकिन जहां तक हमारे केंद्र सरकार का जो है वो एक सपोर्ट रहा हिमाचल को, सभी जो है हमारे नेशनल जो राष्ट्रीय हमारे नड्डा जी हैं इसके अध्यक्ष, और साथ में अनुराग जी और गडकरी जी, वो समय समय पर आकर जो है उन्होंने इसका आकलन किया, और हाईवेज जो टूटे हुए थे वो स्टेट हाईवेज थे उसके लिए भी गडकरी जी ने जो है वो बजट का प्रावधान रखा और कहा कि ये 1.5 से 2 किलोमीटर जितना भी टूटा हुआ है वो स्टेट हाईवे भी हम बनवाएंगे। सबसे पहले उनकी जो 181 करोड़ की जो है वो सहायता मिली थी, उसके बाद NDRF की तरफ से 200 करोड़ जो है वो दिया गया, उसके बाद 182 की सेकंड किस्त जो है वो हिमाचल को जारी की गई। इसके अतिरिक्त जो है वो साथ में जितने विधायक थे हमारे, उन्होंने भी अपनी निधि से जो है, उन्होंने भी अपने सैलरी से जो है वो लाखों में जो है वो दिया, इसमें आपदा में सहायता करी थी, और अपने बेसिस पे जो है काफी हिमाचल में भी और केंद्र सरकार ने भी इसकी हमारी स्टेट की जो है हिमाचल प्रदेश सरकार की, कांग्रेस सरकार की सहायता की थी। ऐसा नहीं है कि अपना हाथ खींच लिया था भाजपा ने, स्टेट में और सेंटर में दोनों जो है वो उन्होंने विजिट्स करके, चाहे वो अनुराग जी थे, चाहे वो नड्डा जी थे, चाहे वो प्रदेश के हमारे अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे, वो सभी जो सभी जगहों पे गए और उन्होंने उसका आकलन करके और सहायता भी कर दी।
तो इस पर पूरी पार्टी आश्वस्त है कि आपदा को लेकर उन्हें किसी तरह की एम्बैरेसमेंट या फिर फजीहत का सामना जनता की ओर से नहीं करना पड़ेगा। राजीव जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ आप अपनी बात शुरू करिए कि विक्रमादित्य पर एक आरोप, एक तंज प्रधानमंत्री ने ये लगाया है कि वो तो विरासत पर जो है अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं, वो देश निर्माण क्या कर पाएंगे। इस सवाल के साथ आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। नेहा जी, आप समझ सकते हैं कि आज भाजपा के अंदर विरासत को लेकर कितने सारे लोग हैं। आप समझ सकते हैं, अगर अनुराग ठाकुर थे, अनुराग ठाकुर ने क्या किया, अपने पिताजी की विरासत को आगे ले गए। उनके पिताजी यहाँ से प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अल्टीमेटली जो अर्चना जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो मदद की है, केंद्र सरकार ने 20, 21, 22 का जब इनकी भाजपा की सरकार थी, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका आपदा आए ना आए, प्रदेश का एक हिस्सा होता है केंद्र सरकार के पास, वो पेंडिंग था, उन्होंने सिर्फ उसे एडवांस कर दिया, वो उन्होंने पैसा दिया। बाकी कुछ पैसा जो 6 महीने पहले पैसा इसका मिलना था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, उसको उन्होंने 6-7 महीने लटका दिया, उसको सारा इकट्ठा करके इन्होंने उसका बता दिया कि हमने रिलीफ दिया। अगर रिलीफ देना था, 10,000 करोड़ का जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ था, 700 से ज्यादा जाने गई थी, हजारों की संख्या में लोगों के घर बह गए थे, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था जिस वक्त से घर बह टूट रहे थे, बह रहे थे, है। और उसके साथ साथ इतना ही नहीं, सड़कें तहस नहस हो गए थे, पुल बह गए थे, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो वो चीज जो आकलन करके प्रदेश सरकार ने दिया, और नेहा जी 3 दिन वाले केंद्र से टीमें भेजी गई मोदी सरकार द्वारा यहाँ पर, लेकिन बावजूद उसके आज दिन तक हिमाचल प्रदेश को 1 भी रुपया जो केंद्र की तरफ से जो मिलता है नहीं मिला। सिर्फ ये वो पैसा था जो केंद्र हिमाचल प्रदेश का खुद का पैसा था, जो हर स्टेट का होता, वो उन्होंने एडवांस कर दिया, वो सिर्फ सहायता दी, इतना तो नहीं। राजीव जी, जी एनडीआरएफ की जो टीम भेजी गई थी, उसके जो चौपर था, उसका बिल भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिया था 40 लाख रुपए का। इससे बड़ी और क्या बात कर सकते हैं आप। तो राजीव जी, क्या गुस्सा जनता में दिख रहा है? क्या हमीरपुर में अनुराग ठाकुर हारेंगे? बिल्कुल, आप अगर आप देख सकते हैं, अनुराग ठाकुर को आज 10-10, 20-20 आदमी की नुक्कड़ सभाएं करनी पड़ रही है। यही वो कारण था कि अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश में तो आपदा आई थी, वो कोई कांग्रेस के लोगों पर नहीं आई थी, वो आम जनमानस पे आई थी। अर्चना जी भी जिस इलाके से बिलोंग करती है, कुल्लू मनाली, वो तकरीबन 15-20 दिन कट रह गया था। इतना नहीं, कंगना रनौत जी आज अपने आप को हिमाचल प्रदेश की बेटी मानती है, मानते हो हिमाचल प्रदेश की बेटी है, लेकिन उस वक्त उनका जो चाहे मंडी वाला घर था, चाहे मनाली वाला घर, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त था, तब उनका क्यों नहीं आए? जब अमीर खान, जिनका कोई लेना देना नहीं है हिमाचल प्रदेश से, वो 25 लाख रुपए की हिमाचल प्रदेश सरकार की सहायता कर सकती है, छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के, 8-8 साल के बच्चे अपनी गुल्लक तोड़ के माननीय मुख्यमंत्री को दे सकते हैं, उससे संवेदनशील क्या हो सकता है? बिल्कुल, वो एक इमोशनल क्षण था, वो बिल्कुल भावुक क्षण था, जब सब लोग जो मिलकर हिमाचल प्रदेश को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, ये जनता की तरफ से एक भावनात्मक जो जुड़ाव सरकार के साथ उस वक्त हमें ये मान लेना चाहिए कि जरूर दिखता था। मुझे लगता है इससे अर्चना जी को भी आपत्ति नहीं होगी। अजय सर, क्योंकि समय बहुत ही सीमित रह गया है, तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या हिमाचल प्रदेश भी उन राज्यों में खुद को जोड़ता हुआ देख रहा है जहां पर बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है? तो 400 सीटों का जो नारा है, वो क्या बहुत पीछे पिछड़ता जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में भी 2019 को दोहरा नहीं पाएगी बीजेपी? देखिए, 400 पार के नारे को तो मैं जुमले का नारा मानता हूं, लेकिन इतना है कि निश्चित रूप से चाहे जैसे तमाम मैंने यूपी का बताया, उसी स्टाइल में कहीं ना कहीं हिमाचल में भी नुकसान होता नजर आ रहा है। देखिए, अर्चना जी ने जो आंकड़े बताए बिल्कुल सही आंकड़े बताए, उन्होंने गलत नहीं बताए, लेकिन यह सच है कि वो मदद नहीं थी, एक पैसा भी वो जो अमाउंट बताया वो मदद नहीं थी, वो वास्तव में जो हिस्सेदारी होती है राज्य की, उस हिस्सेदारी का पैसा था। तो 1 रुपया भी केंद्र सरकार ने मदद नहीं दिया। और जैसा बता रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, बिल्कुल सही बता रहे थे कि जो हेलीकॉप्टर सेवा में लिया गया, उस हेलीकॉप्टर का किराया तक वसूला गया। अब आप सोचिए, आपदा में आप अवसर तलाश रहे थे, इससे ज्यादा बुरी स्थिति नहीं हो सकती। और इतना असंवेदनशील हो यदि केंद्र सरकार, तो निश्चित रूप से उस राज्य की जनता इसको कहीं पर भी माफ नहीं करेगी, और मुझे लगता है कि इससे कोई वो नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान होने वाला है जी। यदि आप बताएंगे कि ये कर रहे हैं, तो फिर आप जले पर
नमक छिड़क रहे हैं वो स्थिति होगी। लेकिन अजय जी, क्या अनुराग ठाकुर को इससे नुकसान होगा, गढ़ उनका हमीरपुर? देखिए, मैं किसी को इंडिविजुअल नहीं कहता हूँ, अनुराग मेरे दोस्त भी हैं। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल में नुकसान होने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। राजीव जी, आपका भी आभार, आपने समय दिया। अर्चना ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने वक्त दिया स्ट्रेट टॉक के लिए। दर्शकों का बहुत बहुत आभार हम जताना चाहेंगे कि लगातार आपका स्नेह हम तक पहुंच रहा है आपके फीडबैक के रूप में, इसलिए अपेक्षा हर रोज़ आपसे बढ़ती जाती है कि कृपया अपना स्नेह यूं ही बनाए रखिए स्ट्रेट टॉक के साथ। अपना फीडबैक अवश्य भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।